नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कहीं खुशी तो कहीं गम के बारे में, यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में। दोस्तों आज का मैच तो आप सभी ने देख ही लिया होगा और मैच का रिजल्ट आने के बाद में निश्चित तौर पर आपको निराशा भी हाथ लगी होगी, क्योंकि जो उम्मीद यहाँ पर लगाई गई थी कि भाई इस बार तो वर्ल्ड कप अपना ही होगा, क्योंकि हमारे ही देश के अंदर वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन कभी कभी कोई एक दिन खराब होता है, तो वो ऐसा एक दिन उस दिन भी आ सकता है जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा अपने गुड डे की आवश्यकता थी और उसी दिन आपका बैड डे निकला। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कुछ ऐसा ही कुंडली हमारे बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की है। कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हर साल उत्तर प्रदेश में भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर हवा बनती है, चुनाव आते हैं तो ये हवा और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हर साल ये उम्मीद जताई जाती है कि इस साल तो बिल्कुल शिक्षक भर्ती आ ही जाएगी, लेकिन ऐसा ही कुछ जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है, चाहे वो T20 का हो, WTC फाइनल हो या इसके अलावा 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उससे पहले लगातार हवा ऐसी बनती है और किस्मत में क्या निकलता है, यानी कि कुंडली में क्या निकलता है, हर बार की तरह निराशा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर कह दिया जाता है पद भरे हुए हैं, ऐसा ही हमारे प्लेयर्स कहते हैं फाइनल में जाकर, और उनके एक बैड डे हो जाने की वजह से, यानी कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी, जैसे कि एक बीएड बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करता है इस उम्मीद में कि जैसे ही शिक्षक भर्ती आएगी उसको एक नौकरी मिलेगी, दिन रात पढ़ाई करता है कि उसको एक नौकरी मिल जाए, लेकिन अंत क्या होता है कि नौकरी तो छोड़ो, विज्ञापन ही नहीं निकाला जाता और उनको फिर से निराश होना पड़ता है और फिर से वो तैयारी जियो से शुरू करनी पड़ती है इस उम्मीद में कि चलो इस साल शिक्षक भर्ती नहीं तो अगले साल ही आ जाए। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में फिर से हुआ, उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार विज्ञापन निकालेगी 2022 के अंदर, 21 के अंदर, 19 के अंदर, 69,000 की बात यानी कि, लेकिन आते आते 2023 आ चुका है और 2023 भी जाने वाला है, शिक्षक भर्ती का अता पता नहीं है। कुछ ऐसा ही वर्ल्ड कप को लेकर है, 11 के बाद हर साल वर्ल्ड कप कोई ना कोई आ जाता है, 2 साल बाद T20, 4 साल बाद 50 ओवर्स का, उसके बाद WTC, लेकिन ना तो सुपर TET करने वाले अभ्यर्थियों के हाथ में, यानी कि उनकी कुंडली के हाथ में नई शिक्षक भर्ती है और ना ही क्रिकेट खेलने वाले जो लोग हैं या फिर जो क्रिकेटर हैं उनके हाथ में वर्ल्ड कप अभी तक दिखाई दिया है। दोनों की कुंडली बिल्कुल सेम है, तैयारी दिन रात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे आके जब रिजल्ट का समय होता है तब ऐसा हो जाता है। फिलहाल इसको लेकर दोनों के लिए बड़ी निराशा है, देश के लिए एक गर्व की बात होती अगर वर्ल्ड कप आता और शिक्षक भर्ती आती तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती, क्योंकि छात्रों को शिक्षा मिलती और जो तैयारी करते उनको नौकरी, क्योंकि नौकरी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं कॉमन दिखाई दे रही हैं काफ़ी लंबे समय से। शिक्षक भर्ती भी कभी कभी सालों में आ जाती है, 5-6 साल, 8 साल या 9 साल, या कभी कभी जल्दी भी आ जाती हैं, और ऐसा ही कुछ वर्ल्ड कप के हाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दुख दोनों ही अभ्यर्थियों का है, लगातार तैयारी करने के बावजूद भी अगर सफलता ना मिले, भर्तियां ना निकाली जाएं, तो अभ्यर्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से उठकर खड़े होने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। उठिए, खड़े हो जाइए, प्रिपरेशन करते रहिए, भर्ती अभी नहीं, कभी तो आएगी, लेकिन पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। धन्यवाद।